नमस्कार, मोंगाबे हिंदी में आपका स्वागत है। मैं कुंदन पांडे। हाल ही में यानी बीते 1 तारीख को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सालाना बजट पेश किया 2022-23 का। इस बजट में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कई सारे मुद्दों का बार बार जिक्र आया। इन सारी बातों को समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं मोंगाबे इंडिया के मैनेजिंग एडिटर मिस्टर गोपी कृष्ण वैरियर। गोपी, आपका स्वागत है। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? ये मेरे ख्याल से कुंदन मैं ये पहली बार एक बजट को देख रहा हूं। बहुत सालों से मैंने ये बजट प्रक्रिया को फॉलो किया है, पर मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक ऐसा एक बजट आया है जिसमें बहुत सारे पर्यावरण और जैसे आपने बोला क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बहुत सारे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इतना ज्यादा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के ऊपर वाला शब्द और किसी बजट में पहले इस्तेमाल नहीं हुआ था। जैसे नेट जीरो की बात हो रही है, एमिशन रिडक्शन की बात हो रही है, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, और कई ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है, फॉरेस्ट्री के और बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। इतने सारे शब्द जो आजकल के पर्यावरणवादी या पर्यावरण के ऊपर बातचीत करने वाले जितना सारा नया नया शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो सब शब्द ये इस बार के बजट में इस्तेमाल हुआ है। ये मेरे ख्याल से एक पहले बार हुआ है। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक दिन पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया था बजट के पहले, जो दोनों वो ट्विन समझते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट को, उसमें भी एक पूरा एक चैप्टर जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और यू नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन चीजों के ऊपर पूरा एक चैप्टर है। और वो जो उसका जो प्रीफेस जो हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर फाइनेंस मिनिस्ट्री सा उन्होंने उन्होंने लिखा है, उसमें वो उन्होंने बोला है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत महत्वपूर्ण रिस्क है। रिस्क को क्या रिस्क है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारे वित्त नीति में बढ़ा हमारे इकोनॉमी के बढ़ोतरी के लिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो ऐसा इतना इंपॉर्टेंस इन सब विषयों में इसके पहले कभी बजट में नहीं हुआ है। बजट वैसे एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट होता है, इकोनॉमिक प्लान होता है सरकार का एक साल का, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि इतना ज्यादा पर्यावरण के बारे में बात हुआ है। तो गोपी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने अपने बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों में क्लाइमेट चेंज को लेके एक स्टेटमेंट जैसा कुछ दिया है। अगर सरकार ये मान रही है कि क्लाइमेट चेंज हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ में यानी अर्थव्यवस्था के विकास में एक बड़ी चुनौती है, तो एक बड़ा स्टेटमेंट माना जाएगा। दूसरा एक बड़ा टर्म इसमें आया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बार बार चर्चा हुई है। तो मेरा इस अभी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बाद में आऊंगा, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये होगा कि सरकार इससे लोगों को क्या संदेश देना चाह रही है। ये बजट में वैसे आप देखेंगे तो पॉलिटिकल तौर पे और इकोनॉमिक तौर पे दोनों तौर पे ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पॉलिटिकल तौर में आप देखेंगे तो ये बजट अभी आने वाले कई संस्थानों के चुनाव का जो चुनाव आ रहे हैं इस साल 2022 में, 2022 में और 2023 में, और पूरा नेशनल इलेक्शंस होगा 2024 में, तो इन 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 तीनों को ख्याल में रखते हुए ये बजट बहुत महत्वपूर्ण होता है और पॉलिटिकली। और वो इतना केवल ये 3 साल के लिए नहीं, वो उसमें जो अमृत काल के बारे में जिक्र किया गया है उसे वित्त मंत्री ने ये पूरा बजट को एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट अगले 25 साल के लिए किया है। तो वैसा एक पॉलिटिकली ये बजट थोड़ा उस कारण से बहुत महत्वपूर्ण है।
इकोनॉमिकली आप देखेंगे तो ये बजट महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी केवल भारत में नहीं पर पूरे दुनिया में ऐसा ऐसा सोच है कि और या ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि इस अभी कोरोना के महामारी से हम बच निकल चुके हैं और अब समय आ गया है, और भी जब वेव आएंगे और जब और भी बार कोरोना आएगी तो उतना उतना नुकसान नहीं करेगी हमारे, और अब समय आ गया है कि हमारे इकोनॉमी की इकोनॉमी बढ़ाने का के बारे में सोचने का। तो और ये भारत में तो आपको पता है कि ये पहला इकोनॉमिक शॉक नहीं है, इसके पहले तो 4-5 इकोनॉमिक शॉक्स थे और उसके बाद ये पैंडेमिक महामारी का इकोनॉमिक शॉक। तो इस कारण से ये वो एक्सपेक्टेशन सबके लिए है, आई मीन जो 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 भी बजट का इंतजार कर रहे थे उन सबको देशवासियों को ये इस बजट में वो एक्सपेक्टेशन था कि देखने का इकोनॉमिक लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा, और वो ही है, वही एक इम्पोर्टेंट मुद्दा सरकार ने भी रखा है। पर इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सरकार इसमें ले रही है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपने जिक्र किया इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर इंफ्रास्ट्रक्चर लेके इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट माने सरकार का इन्वेस्टमेंट और साधारण जनता या बाहर से पैसा इकट्ठा करके वो जो पैसा सरकार के हाथ से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर माने पब्लिक सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में उसमें लगा के उस कारण से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ये एक एक चिंता चिंता है, उसका गाइडिंग प्रिंसिपल है ये इस समय के बजट का। और वो जब इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी को ऊपर खींचेगी तब ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा और ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, ये एक सरकार की सोच है और इस सोच से ये बजट बनाया हुआ है। अभी दूसरा प्रश्न हमारा है एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर। पहले तो मैं चाहूंगा कि इसी मौके का इस्तेमाल करके आप हमारे पाठकों को 2-4 लाइन में यह भी समझाएं कि एनर्जी ट्रांजिशन है क्या, और दूसरा यह कि इस बजट में एनर्जी ट्रांजिशन पर जोर है, यह क्यों है और इसका क्या मतलब है भविष्य में, यह समझें। ये एनर्जी ट्रांजिशन माने हमारा अभी का अगर एनर्जी माने हमें कहाँ कहाँ किस स्रोत से हमें पावर माने बिजली हमें मिलती है, इसको अगर आप देखेंगे तो अभी तो जो है ज्यादातर हमें तेल या कोयला जला के उससे जो थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी करके उससे हमें हमें मिल रही है, उससे कम थोड़ा हाइड्रो माने जो पानी पानी वाला हाइड्रो और बाकी छोटे छोटे हैं। तो ये जो ट्रांसिशन है जो हमारा ट्रांसिशन जो अभी फिलहाल ये था कि थोड़े साल पहले हमारा जब COP पेरिस में हुआ 215 में, तो प्रधान हमारे जो INDC है जो हमारा भारत का कमिटमेंट है उसमें हमने बोला था कि 175 गीगावाट माने 175 गीगावाट हम बिजली का उत्पादन हम नॉन फॉसिल फ्यूल माने जो तेल या कोयले से नहीं आया हो और उन सोर्स से हम करेंगे, पर वो इसी को टारगेट को 2019 में प्रधानमंत्री ने इसको इसको इसका इसको प्रोजेक्शन 2030 तक किया और उन्होंने बोला कि 2030 तक हमारा ये उत्पादन 450 गीगावाट हम ये नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे। पर ये जो ग्लासगो में पिछले दिसंबर में जो मीटिंग हुआ था COP 26 उसमें प्रधानमंत्री ने बोला कि इसको हम 500 गीगावाट करेंगे 2030 तक। तो हमारा एक सरकार और हमारे देश का एक प्रोसेस हमने तय किया है कि 2030 तक हम कोयला और तेल को रोक के उससे ज्यादा हम
रिन्यूएबल सोर्सेस माने सौर्य ऊर्जा, विंड एनर्जी, यू नो टाइडल एनर्जी, ये सब का ज्यादा उत्पादन करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के प्रोसेस है। तो इसमें बजट में ये कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है? एक तो इन सब ये जो प्रोसेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। हमें बहुत ज्यादा सोलर पार्क्स जो बोलते हैं, सौर ऊर्जा का पार्क, जहाँ पे सौर ऊर्जा यूटिलिटी स्केल में, जैसे एक थर्मल पावर प्लांट से होता, वैसे यूटिलिटी स्केल में सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा या नहीं, विंड एनर्जी का उत्पादन होगा। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर से इसका ग्रोथ है। और दूसरा है ये और प्रोसेसेस है, माने इंडस्ट्री में जैसे हमें उत्पादन तो कर रहे हैं, पर उस ये भी हमें कम करना है कि डिमांड भी थोड़ा कम करना, तो उसका लो कार्बन इकोनॉमी के बारे में और सर्कुलर इकोनॉमी माने एक इंडस्ट्री के उत्पादन में जो वेस्ट आता है उसका दूसरे इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बन जाना, तो वो उसको सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। तो वो सर्कुलर इकोनॉमी, इन सब चीजों पे जिक्र है इस बजट में। और ये भी जिक्र है कि ये एनर्जी के ऊपर माने बैटरी स्वैपिंग, जो बैटरी जो विद्युत गाड़ियां होगी, जो 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 इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे, उन गाड़ियों में आसानी से बैटरी का आप स्वाप कर सके, माने एक बैटरी छोड़ के नया बैटरी डाल दे, ताकि आपको ज्यादा समय चार्जिंग के लिए नहीं लेना हो, वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए ज्यादा ये करेगा। और ये जो ग्रिड बेस्ड, माने जो जो भी सौर ऊर्जा का स्टोरेज सिस्टम है जो ग्रिड बेस्ड है, माने जो जो इतना बड़ा है कि वो ग्रिड में जो तार है, जो बड़े बड़े तार है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उनके ऊपर कनेक्ट कर सकते, वो उन फैसिलिटियों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे रहे हैं, ताकि उसमें ज्यादा क्रेडिट मिले, ज्यादा पैसा उसमें मिले। तो ये सब चीजें बजट में इस बार ये सब हमें देखने को मिल रहा है। ये जो ट्रांसिशन का प्रोसेस है, उस ट्रांसिशन के प्रोसेस में क्या बजट में मिल रहा है, ये हमें इस बार देखने को मिल रहा है। अच्छा गोपी, मैं मेरा अगला प्रश्न चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, तो मैं इसमें दो चार बातों का आपसे आग्रह करूंगा कि आप इन दो चार बातों का जिक्र करें। एक तो ये जो अमृत काल का सब्जेक्ट उठाया है, सरकार ने चर्चा की है, वो तब पूरा होगा जब भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, और उसको रख के इन्होंने कुछ लक्ष्य रखा है, और उसके जो कल्पना की जा रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रख के की जा रही है। और मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि आप पिछले 20-25 30 सालों से कई सरकारों के बजट को फोकस कर रहे हैं, और कई सरकारों का विकास को लेके अलग अलग रूप रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर या अन्य तरीकों पे, तो इन सबको ध्यान में रख के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनका फोकस है उसके बारे में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कुंदन की, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस ये है कि एक ये सोचना है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार पहले पैसा लगाए या सरकार इकट्ठा करके पैसा लगाए उसमें क्या होता है कि सरकार के पैसे से नए नए सड़क, नए नए रेल लाइंस, नए 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 कार्गो टर्मिनल्स, नए पोर्ट्स, नए एयरपोर्ट्स, ऐसे 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 इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो। और इस जैसे सबसे पहले जब सरकार पैसा लगा के ये खड़े करती है, तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर, निजी इन्वेस्टमेंट उस पे आएगी, और उसके ऊपर वो जो जो सरकार का इन्वेस्टमेंट होगा वो एक स्केल्टन जैसे हो जाएगा, और उसके ऊपर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ इकोनॉमी का बढ़ोतरी होगा, क्योंकि दो दो तरह से बढ़ोतरी होगा। एक तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी तो इंडस्ट्रीज में बढ़ोतरी होगा, ये सीमेंट इंडस्ट्री, बाकी स्टील इंडस्ट्री, कोर सेक्टर इंडस्ट्री, उसमें बढ़ोतरी होगा, एनर्जी इंडस्ट्री, और इस कारण से इकोनॉमी भी बढ़ोतरी होगा। दूसरा ये होगा कि इस कारण से ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। ये एक सोच विचारधारा है, जिस विचारधारा में इस बार का बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना इतना महत्व दिया है। पर ये
पहली बार नहीं ये आई मीन पहली बार नहीं कि नेशनल गवर्नमेंट ये ऐसे सोच रही है. इसके पहले जब 1999 से 2004 तक बीजेपी का ही भारतीय जन भाजपा का ही नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तब तभी यही पॉलिसी, और यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे तब यही पॉलिसी उन्होंने इस्तेमाल इसी पॉलिसी का इस्तेमाल किया था. अगर आपको याद होगा कि वो उस समय पे ये जो पहला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल माने जो जो एक्सप्रेसवे फोर लेन टोल एक्सप्रेसवे है फ्रॉम मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई और चेन्नई से मुंबई, ये क्वाड्रिलेटरल इसके बारे में इसका शुरुआत उस समय पे किया था. और उसी समय पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट माने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक रोड्स का बड़े बड़े टोल रोड्स का उस समय से शुरुआत हुआ था. अब जो आप कहीं भी भारत में ये जो टोल रोड्स वगैरह देख रहे हैं, चार चार लेन छह लेन रोड्स देख रहे हैं, ये सब उस समय से शुरुआत हुआ था. तो वो एक सोच धारा है, वित्त सोच धारा है जिसका पहले भी इस्तेमाल हुआ था, उसी का इस्तेमाल इस समय सरकार कर रही है. तो गोपी, इन दोनों दो तीन प्रश्न के जवाब आपने दिए उससे मेरे मन में एक ऐसा सवाल है कि क्या फिर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं और एक तरफ एनर्जी ट्रांजिशन की भी बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने का भी दावा कर रहे हैं, इन सबको देखते हुए क्या आपके विचार में यह बजट इन्वायरमेंट फ्रेंडली है? ये बोलना बहुत मुश्किल है बिकॉज बजट में बजट की भाषा अगर आप उसमें ज्यादा एनवायरमेंट बोले तो इससे हम ये तो नहीं बोल सकते कि निर्णय नहीं कर सकते कि बजट एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी. आई मीन भाषा एनवायरमेंट फ्रेंडली है पर बजट एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, उस बजट को जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो उसका उसका असर क्या होगा, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी नहीं, उसके बारे में तो हम पूरा बोल नहीं सकते. और अगर हम इस सरकार के हिस्ट्री को देखें तो बहुत सारे नियमों का पर्यावरण के नियमों का डाइल्यूशन हुआ है इन द जिसको वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस माने व्यवसाय करने का जो आसानी है उसको बढ़ाने के लिए सरकार बोल रही है. और आप देखेंगे कि इस बजट के स्पीच में भी वित्त मंत्री के स्पीच में भी वित्त मंत्री ने बोला है कि कितने कितने लॉस को आसान किया गया है, कितने एनवायरमेंट लॉस को आसान किया गया है, एनवायरमेंट क्लियरेंस कितना आसान किया है ताकि लोगों को सिंगल विंडो किया है ताकि कंपनीज को एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलना आसान है. तो इस कारण से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है उसी के साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ के कारण से परिस्थिति के ऊपर प्रभाव है, ये तो हम सबको पता है. पर ये प्रभाव को नियमित रखना माने उसको लिमिट्स में रखना ये भी अभी ज्यादा ज्यादा छूट दिया जा रहा है इस पे तो प्रभाव जो बुरा प्रभाव है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो ज्यादा हो सकता है परिस्थिति पे. जैसे आप जानते हैं कि रेलवे लाइन के ऊपर पारिस्थितिक कंट्रोवर्सी चल रहे हैं केरला में, जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूँ. केरला में सिल्वर लाइन के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है और महाराष्ट्र गुजरात में बुलेट ट्रेन और रोड के ऊपर माने ये गोवा में मोलम नेशनल पार्क के अंदर जाने वाले रोड या बंदीपुर नेशनल पार्क के अंदर कर्नाटका में, तो इन सब के ऊपर कंट्रोवर्सी. और कंट्रोवर्सी बिना वजह तो नहीं हो रहा, कंट्रोवर्सी इसलिए हो रहा कि इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का पर्यावरण पे बुरा असर है और ये बुरा असर के कारण लोग इनके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो ये जो है वो ज्यादा ही होने की संभावना है.
और आप जानते हैं कि पर्यावरण इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारे वनों के ऊपर भी असर असर होता है, क्योंकि ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर वन भूमि का नष्ट करती है, वन भूमि वन नष्ट करती है। और हमारे जो मोंगबे इंडिया के एनालिसिस में हमने इस बार के जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का जो हमने एनालिसिस किया है, उसमें हमने हमने समझा है, और हम मोंगबे इंडिया ने अभी लिखा भी है कि इसमें वन भूमि कम हो रही है। यद्यपि सरकार बोल रही है कि ट्री कवरिंग बढ़ा हुआ है, पर ट्री कवर में वन भूमि कम हो रही है, और प्लांटेशंस माने टी कॉफी रबर वगैरह टीक, ये प्लांटेशंस ज्यादा बढ़ रहे हैं, और ये जो घने जंगल कम हो रहे हैं, और मध्य घने, और जो जो ओपन कैनपी फॉरेस्ट बोलते हैं, जिनमें जो खुला हुआ वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये सब ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी ये चीज इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से ये प्रभाव पड़ा है, और अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये जो पुश हो रहा है, उस कारण से ऐसे प्रभाव और भी बढ़ सकते हैं आने वाले सालों में। शुक्रिया गोपी, आपने बताया कि एक तरफ तो सरकार ने कई सारे अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल किए हैं अपने बजट में, फिर दूसरी तरफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, पुश करना चाह रहे हैं, जो कि जरूरी है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। तीसरी तरफ वो कई सारे लॉ को डायल्यूट कर रहे हैं ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आए, व्यवसायियों को व्यवसाय करने में आसानी हो। लेकिन इन सब का खामियाजा कहीं ना कहीं हमारे प्राकृतिक संसाधन और वनों को खाना पड़ता है, जिसके लिए सही लॉ का होना जरूरी है और सरकार ने उसको भी डायल्यूट किया है। तो हम जो समझ पा रहे हैं उसमें यही समझ में आ रहा है कि इस बजट को, ठीक है, शब्द बहुत अच्छे इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन कंप्लीटली हम इसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली बजट शायद नहीं कह पाएंगे उस विश्वास के साथ।